और आज मैं आपको एक सिंपली कटिंग का एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप देखेंगे आप बड़े आराम से अपने घर में, जो आपके बगीचे में जो भी प्लांट्स लगे हैं उनकी कटिंग करने के बाद आप अच्छा जो फ्रूट है वो ले सकते हैं। और फ्रूट लेना है अच्छा तो भी कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ये जो एक हमारा पेड़ है इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। इसके लिए कटिंग बहुत ज़रूरी है। मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि हम इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। हमारा वीडियो डालने का भाव यही रहता है कि आप सभी लोग अपने घर बैठकर या अपने बगीचे में, अपने ऑर्चर्ड में, वहीं पर बैठकर आप ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकें ताकि आप अपने अच्छे बाग को, बगीचे को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, बढ़िया से वो जानकारी आपके घर तक पहुँच सके। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम भी बहुत दूर दूर तक निकलते हैं, लोगों के पास जाते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, फिर आकर हम हमारे बाग में, मधु वाटिका में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल करने के बाद जो कुछ चीज़ निकल के आती है, हमारा अच्छा जो एक्सपीरियंस रहता है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप भी अपनी जो बागवानी उसे बहुत अच्छे तरीके से करें और उसका भरपूर लाभ ले सकें, आपकी इनकम बढ़ सके और आप खुश रहें। और आप लोगों को भी बताएं कि इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। ये हमारा हमेशा से कोशिश रहती है कि हम अच्छा करें और आप सभी लोग हमारे से अच्छा सीखें और आप भी समाज में अच्छा करें। आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो आज हम जो हमारे ऑर्चर्ड में, जैसे आपको पता है कि हमारे पास अकेली अमरूद की ही 22 वैराइटीज़ अलग अलग तरह की लगी हुई हैं। बेसिकली हमारा वहाँ पे एक रिसर्च चलता रहता है कि कौन सी वैरायटी अच्छी है, कौन सी लेट वैरायटी है, कौन सी अर्ली आती है और किसका साइज़ ज़्यादा है, कम है, मिठास सभी को जो R&D में होता है वो हम सब कुछ यहाँ पे मधु वाटिका में करते हैं। लाइब्रेरी में एक वीडियो डाला था, वो अमरूद कटिंग का वीडियो था और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद, वो हमारा वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे हमें कि और भी सर्दी में फ्रूट जो लेना है उसकी कटिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है। अब मेरी बात को समझ ही गए होंगे आप सभी लोग। आज की जो वीडियो रहेगी, ये वीडियो सर्दियों का जो हमने फ्रूट लेना है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताएंगे कि कहाँ से कटिंग करनी है, कब करनी है, क्या इसको खुराक देना है, जो भी रहेगा सारा कुछ। तो इससे पहले एक बात आप सभी लोग समझ लें, अमरूद एक ऐसी फसल है कि इसको हम दो बार फ्रूट इससे हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन से महीने में आपने फ्रूट लेना है ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे अब बरसात का जो फ्रूट है उसमें आपको सभी को पता है कि वो सुंडी उसमें आएगी और फ्रूट ख़राब होगा। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमने जो बरसात का फ्रूट भी लिया उसके लिए हमने फेबररी में जो कटिंग की थी उसके बाद हमने बैगिंग की और बहुत अच्छा जो फ्रूट था वो हमारा निकला। तो आप ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन और उसके बाद आप ज़्यादातर लोग सर्दियों का फ्रूट लेते हैं। तो जब सर्दियों का फ्रूट आप लेंगे तो उस टाइम पर सभी लोग सर्दियों का फ्रूट लेंगे तो आप सभी लोग हम जानते हैं कि उस टाइम पर ज़्यादा क्रॉप आएगा मार्केट में, जो रेट है वो कम निकलेगा। तो इसके लिए आप सभी को थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करते रहेंगे तो आप फ्रूट लेंगे तो एक मैनेज होगा, रेट आपको अच्छा मिलेगा। आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं तो सितंबर महीना शुरू होने वाला है, अगस्त महीना चल रहा है, आज हम कटिंग करके दिखाएंगे। आप इसे 10 दिन कटिंग लेट भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज इस महीने में की गई कटिंग आपको फ्रूट कब देगी, आपको कब फ्रूट मिलेगा। हम पंजाब में, हमारा जो ऑर्चर्ड है और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पंजाब में ज़्यादा ठंड रहती है जो दिसंबर और जनवरी में, तो उस टाइम पे ज़्यादा गर्म ठंड रहेगी तो फ्रूट की बढ़ने की और प्लांट्स को खुराक लेने की जो थोड़ी कमी रहती है, थोड़ी स्पीड है जो स्लो रहती है, तो फ्रूट थोड़ा सा लेट बनेगा। तो इसका एक बेनिफिट ये रहेगा, इस महीने में कटिंग जब आप करोगे तो आपका जो फ्रूट होगा रेडी वो होगा जाके फेबररी महीने में, जनवरी के एंड से शुरू होगा या फेबररी के महीने में वो बन जाएगा। ये आपने चिंता नहीं करनी है कि जहाँ से फ्रूट हम लेंगे, कटिंग करेंगे तो सर्दी आ जाएगी, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन आप अपने घर में एक प्रैक्टिकल करें, चाहे वो थोड़े पौधों पर ही करें, आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि फेबररी में जब जाकर आप फ्रूट हार्वेस्ट करोगे तो उस टाइम पर आपको रेट है जो इसका अच्छा रेट मिलेगा,
और आपकी इनकम ऑब्वियस है ज़्यादा होगी। लेकिन इसके साथ ही एक क्वेश्चन और भी राइज होता है कि फिर फरवरी में जब हम गर्मियों का फ्रूट लेना है बरसात वाला, तो फरवरी में कटिंग करते हैं, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। जब आप उसकी कटिंग करोगे तो उससे पहले जिस भी टहनी के ऊपर फ्रूट सेट होगा, वो जो भी फ्रूट होगा पहले तो उसको हार्वेस्ट कर लें जितना कर सकते हैं, और उसके बाद जो फ्रूट होगा उसको छोड़ दें, उसके बाद की जो उसकी जो टहनी है उसको हम कटिंग कर देंगे तो नए कल्ले निकलेंगे, नया फ्रूट आप ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बिल्कुल भी उलझन में नहीं रहना है कि ऐसा होगा ये करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दो बार कटिंग करें, फरवरी में कटें करें, इस महीने में करें या इससे एक महीना पहले कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और आज मैं आपको एक सिंपली इस कटिंग का एक टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप देखेंगे आप बड़े आराम से अपने घर में, जो आपके बगीचे में जो भी प्लांट्स लगे हैं उनकी कटिंग करने के बाद आप अच्छा जो फ्रूट है वो ले सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग का एक जो तरीका रहता है कि आपने ऑर्चर्ड कितने बाय कितने फिट के ऊपर हमने लगाया हुआ है। जिस बगीचे में हम खड़े हैं ये हमारा हिसार सफेदा का ब्लॉक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो प्लांटेशन करने का वो 12x8 है। लेन टू लेन की जो स्पेस है वो 12 फिट है और प्लांट टू प्लांट की जो स्पेस है वो 8 फिट है। तो 8 फिट का मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो पेड़ हैं इनके बीच की जो दूरी सिर्फ इतनी रह गई। तो आपको अब इसको मैनेज करना है, इसको जितना आप मैनेज कर लोगे उतना ही आप अच्छा फ्रूट हार्वेस्ट करोगे, और इसके इसमें क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इनकम नेचुरली है ज़्यादा आपको इससे मिलेगा। तो अभी तो ये हमारे प्लांट्स बहुत छोटे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये और बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल साथ में एक दूसरे से टच ना हो एक दूसरे के साथ, तो इसके लिए कटिंग बहुत ज़रूरी है। और फ्रूट लेना है अच्छा तो भी कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ये जो एक हमारा पेड़ है इसकी आपको कटिंग करके दिखाऊँगा कि आपने कटिंग करनी कैसे और कहां से कटिंग करनी है। तो प्लीज़ आप इसको पूरे ध्यान से देखें कि आप घर बैठे ही कटिंग करना सीख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है। हमें भी पहले ऐसा लगता था कि जब हम देखते थे कि कटिंग कैसे करते हैं कहां से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता, बड़े आराम से आप बहुत सिंपल वे है आपको कटिंग का बताऊँगा। आप प्लीज़ थोड़ा सा और पास से आप दिखाएंगे। पहले तो ये पूरा जो पौधा है आप देख सकते हैं, पहली हमारी जो कटिंग थी वो यहाँ से हमने की थी, यहाँ से कटिंग करी, और ये दो हमने जो मेन शूट थी वो चल रही है हमारी। अब देखिए इसके पूरे फ्रूट, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये साफ़ है। दूसरी बात और ध्यान से सुनने वाली है कि आपने जो आपका पौधा है उसको बीच में से उसका जो सर है ऐसे ये वाली चीज़ है इसको खाली रखना है, साफ़ रखना है। यहाँ पर बहुत सारी टहनियाँ नहीं होनी चाहिए, ताकि प्लांट्स को सीधी धूप भी पूरे पौधे के बीच जानी चाहिए और हवा भी जानी चाहिए, ताकि अच्छी उसको एक एनवायरनमेंट मिल सके और अच्छा वो फ्रूट है वो अपना सेट कर सके। तो सबसे पहले तो जैसे ये एक टहनी बीच में से निकल रही है, हालांकि इसके ऊपर फ्रूट है लेकिन हम इसको अभी हमने इससे फ्रूट लेना नहीं है तो हमने इसको कट कर दिया। तो कट करेंगे अब देखिए ये बीच में से आपको लगेगा ये टहनी जब हम कट कर देंगे तो और ये खुला हो जाएगा ऊपर से। अब साथ में क्या करना है ये है, इसको आप यहाँ से पत्ते देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आगे से ये कच्ची टहनी है आप देख रहे हैं बिल्कुल, इसका इसको पास से देखें तो इसका कलर और इसके कलर में काफ़ी अंतर है दोनों में। तो आप एक तो कटिंग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर दें। तो अगर आपने प्लांट्स को और पीछे लेकर जाना है वो फरवरी में कटिंग करनी है, अब तो हमने सिर्फ सर्दियों का फ्रूट लेना है। अब देखें पीछे कर दिया हमने, तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच पत्ते थे और यहाँ से नए अब कल्ले हैं वो निकलेंगे सेम ऐसे यहाँ। तो अगर प्लांट्स को आप थोड़ा और सुंदर कनोपी तैयार करना चाहते हैं तो ये इक्वल रखें, अगर आपको लगता है इसको इसको बिल्कुल आप इक्वल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पौधे की कनोपी है वो बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। तो जो लम्बे वाली हैं उनको ऊपर से बिल्कुल बराबर कर दें, तो जो ये अंदर वाली है इसको तो यहाँ से कट करें यहाँ से, ताकि अब आपका जो प्लांट्स है वो बाहर को फैलना चाहिए ना कि वो अंदर को जाना चाहिए। तो अब जैसे ये है, अब एक और बात, ये जो फ्रूट लगा हुआ है देखिए यहाँ पे चार फ्रूट हैं, यहाँ से एक एक फ्रूट को भी कट कर दें। अगर आप यहाँ से फ्रूट थोड़ा बहुत रखना चाहते हैं लेने उसको छोड़ दें कोई बड़ी बात नहीं, फ्रूट भी रेडी होगा और पीछे इसके वो सारे नए पत्ते भी निकलेंगे। तो
अब आप देखेंगे जो जैसे ये टहनियाँ नीचे को जा रही है, ये वाली ये नीचे को जो भी टहनियाँ निकल रही हैं उनको बिल्कुल आपने रखना नहीं, इन बिल्कुल नहीं रखना। प्लांट्स नीचे से बिल्कुल आपका साफ होना चाहिए और धीरे धीरे करके ऐसे कटिंग करते समय कभी संकोच नहीं करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी आप कटिंग करेंगे उतना ही आपको ये पौधा फल अच्छा देगा। जब हम जाते हैं बाल कटिंग करवाते हैं, जैसे सेम ये प्रोसीजर है, अगर आप ना ये खुश होता है अगर जब इसकी कटिंग होती है, ना कि इसको कोई तकलीफ़ होती है, क्योंकि अब इसको अच्छा बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल साफ, ये वाला, क्योंकि जहाँ से नया कल्ला निकलेगा वहीं से फ्रूट हमें मिलेगा और कहीं से फ्रूट नहीं मिलेगा। सो ऐसे करके अपने पूरे ऑर्चर्ड में आप कटिंग करें और बहुत अच्छा आपको फ्रूट मिलेगा, और उसके बाद ये कनोपी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन हर साल जब ऐसे कटिंग करेंगे तो आपको इसके बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स हैं वो जो मिलेंगे, और आपका जो ऑर्चर्ड है बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी आप इनकम लेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो भी अच्छी लगेगी और ऐसे ही प्रैक्टिकल आप अपने वहाँ पर करेंगे और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।